स्पेस कॉलोनाइजेशन ह्यूमैनिटी के लिए एक इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। धरती कई सारे एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स को फेस करता है, जैसे एस्टेरॉयड इंपैक्ट्स, सुपर वोल्केनो इरप्शन, न्यूक्लियर वॉर और क्लाइमेट चेंज। दूसरे प्लैनेट्स में कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने से अर्थ पर कोई कैटास्ट्रोफिक इवेंट के दौरान ह्यूमन सिविलाइजेशन का अस्तित्व सुनिश्चित हो सकेगा। दूसरी बात, धरती पर रिसोर्सेस लिमिटेड है और हमारी बढ़ती जनसंख्या और कंजम्पशन रेट उन्हें तेजी से कम कर रही है। दूसरे प्लैनेट्स और दूसरे सेलेस्टियल बॉडीज जैसे मून्स और एस्टेरॉयड्स में वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस जैसे मिनरल्स, मेटल्स और पानी अवेलेबल है। इन रिसोर्सेस की एक्सेस ह्यूमन सिविलाइजेशन की जरूरतों को पूरा कर सकती है और टेक्नोलॉजिकल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ह्यूमैनिटी हमारे एंटायर सोलर सिस्टम को कैसे कॉलोनाइज करेगी और उन रिसोर्सेज को कैसे एक्सप्लॉइट करेगी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इन्फोसिस चैनल में। ह्यूमैनिटी जब टाइप 1 सिविलाइजेशन का दर्जा प्राप्त कर लेगी तो वो इतना सक्षम हो जाएगी कि वो एंटायर सोलर सिस्टम को कॉलोनाइज कर सकेगी। टाइप 1 सिविलाइजेशन के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मौजूद वीडियो को देख सकते हैं। सिविलाइजेशन के इस लेवल पर ह्यूमैनिटी डिफरेंट प्लैनेट्स और मून्स पर अपनी मौजूदगी का प्रमाण देगी। प्लैनेट्स के बीच कम्युनिकेशन और ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी के साथ ह्यूमैनिटी ग्लोबल गवर्नेंस की एक सिस्टम डेवलप करेगी और इंटरप्लैनेटरी ट्रेड और कोऑपरेशन में एंगेज होगी। इंसानों द्वारा इंटरप्लैनेटरी कॉलोनाइजेशन का पहला एफर्ट मार्स पर होगा, क्योंकि मार्स में दिन की लंबाई और उसकी जनरल कंपोजिशन अर्थ से मेल खाती है। लेकिन ये प्लैनेट लाइफ के लिए होस्टाइल है, जिसे ह्यूमन लाइफ के लिए अनुकूल बनाने के लिए मार्स में टेराफॉर्मिंग प्रोजेक्ट्स की शुरुआत होगी, जो कि आने वाले भविष्य में ह्यूमन सेटलर्स के लिए दूसरा होम प्लैनेट बनेगा। इसी तरह वीनस की टेराफॉर्मिंग पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें डेंस कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर को निकाला या कन्वर्ट किया जाएगा, ताकि वीनस का एक्सट्रीमली हाई सरफेस टेम्परेचर को कम किया जा सके, जिससे ये ह्यूमन सेटलर्स के लिए हैबिटेबल बन सके। इस फ्यूचर में एक मेजर डेवलपमेंट चंद्रमा में होगा, जो अब लाखों स्थायी निवासियों के साथ सभी स्पेस कॉलोनीज में सबसे घनी आबादी वाला स्थान बन जाएगा। चंद्रमा पर मौजूद हीलियम 3, जो कि सोलर विंड के जरिए कैरिड होकर अरबों वर्षों में मून के सरफेस पर जमा होता है, ये एक मेजर ट्रेड कमोडिटी बनेगा, क्योंकि अर्थ पर यह काफी रेयर है और ये गोल्ड से 120 गुना महंगा है। भविष्य में चंद्रमा से प्राप्त हुई हीलियम 3 की भूमिका थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर्स में फ्यूल के रूप में हो सकती है। यहाँ मैं आपको बता दूं, 100 टन हीलियम 3 पूरे धरती को पूरे एक साल तक बिजली दे सकती है और ये मून में इतना अवेलेबल है कि उससे पूरे 10,000 साल तक इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरी की जा सकती है। एस्टेरॉइड्स की एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन से मिनरल रिसोर्सेज की एक भंडार मानवता के लिए उपलब्ध होगा। इनर सोलर सिस्टम में एस्टेरॉयड माइनिंग सेक्टर तेजी से ग्रो करेगा, जिससे मनुष्यों के लिए सफिशियंट रेवेन्यू जनरेट होगा। हजारों एस्टेरॉयड्स को एक साथ माइन किया जाएगा। रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट नियर अर्थ एस्टेरॉयड से वैल्यूएबल मेटल्स, मिनरल्स और वाटर आइस एक्सट्रैक्ट करने के लिए निकल पड़ेंगे। टेक्नोलॉजीज में एडवांसमेंट और सेल्फ रेप्लिकेटिंग रोबोट्स की बदौलत मेटल्स और मिनरल्स को एफिशिएंटली एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। सबसे बड़े एस्टेरॉयड को बड़े बड़े पावर प्लांट, रिसर्च स्टेशन और सेटलमेंट्स में रेनोवेट किया जाएगा। जुपिटर पर इंसानों का लगातार आगमन होगा, जिनमें इंटेलिजेंट रोबोट्स भी शामिल होंगे। जुपिटर पर अबंडेंट रिसोर्सेज जैसे हाइड्रोजन और हीलियम को निकाला जा सकता है, जिससे अपर एटमॉस्फेयर में फ्लोटिंग सिटीज और विशाल रिफाइनरीज बन सकती हैं। इसके साथ ही जुपिटर के मून्स को उनकी मेटल्स, मिनरल्स और आइस के लिए एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। सैटर्न स्पेस टूरिज्म के लिए एक शानदार डेस्टिनेशन बनेगा। इसके रिंग्स में लग्जूरियस होटल्स होंगे, जो इसे ऑर्बिट करेंगे और एक शानदार दृश्य पेश करेंगे। गेस्ट इन होटलों के बाहर सैटर्न के रिंग्स में धीरे धीरे हिलती बर्फ और चट्टान के टुकड़ों के बीच तैरते हुए सैर कर पाएंगे। सैटर्न के क्लाउड्स के अपर लेयर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर धरती के सी लेवल प्रेशर के आधे से दो गुना के बीच तक होता है। सो थ्योरेटिकली आप प्रेशराइज्ड स्पेस सूट के बिना ओपन स्काई में फ्लोट कर सकते हैं। ऐसे इलाके पर फ्लोटिंग सेटलमेंट्स बन सकती हैं, जो कॉन्स्टेंटली ऊपर की ओर प्रोपल करेंगी ग्रेविटी को ऑफसेट करने के लिए। टाइटन, जो सैटर्न का सबसे बड़ा चंद्रमा है, उस पर एक पूरा शहर बसेगा, जबकि सैटर्न के चंद्रमाओं में से एक एनसेलेडस
जिसकी बर्फीली परत के नीचे लिक्विड वाटर का एक ओशन है, वो आउटर सोलर सिस्टम में सेटलमेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वाटर सोर्स के रूप में काम करेगा। यहाँ तक कि डिस्टेंट प्लैनेट्स जैसे यूरेनस और नेपच्यून भी गैस माइनिंग के केंद्र बन जाएंगे। चारों गैस जाइंट्स में सबसे कम एस्केप वेलोसिटी यूरेनस का है, जिससे ये हीलियम 3 माइनिंग साइट के रूप में उभर कर आएगा। चारों गैस जाइंट्स यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून में इनके मून्स या फिर एक फ्लोटिंग सिटी बेस की तरह काम करेगा। मिनरल्स और आइस एक्सट्रैक्शन पर ध्यान केंद्रित करने के साथ प्लूटो और काइपर बेल्ट इस इंटरप्लैनेटरी एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त नहीं है। काइपर बेल्ट नेपट्यून से परे एक वास्ट एरिया है जो ट्रिलियंस ऑफ कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स और आइसी ऑब्जेक्ट से भरा हुआ है। उसे इंटरस्टेलर एक्सप्लोरेशन की दिशा में एक पोटेंशियल जोन की तरह देखा जाएगा। जैसे जैसे भविष्य सामने आएगा, मानवता की पहुंच पृथ्वी की सीमाओं से परे बढ़ेगी, एक ऐसे भविष्य की नींव रखेगी जहां ब्रह्मांड की हमारी खोज सिर्फ एक सपना ही नहीं बल्कि एक सॉलिड रियलिटी बन जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।